अवैध कब्जा कर रहे हैं, इसको रोका जाए और पूरा रास्ता अपना मार्ग बंद करके मेरे जमीन में जो विवाद चल रहा है। डीएम साहब 20 अगस्त को गए थे हमारे गांव में, नाली पे खड़े थे हम, कहा सब देखिए मेरे घर से नाली आ रही है, आ रही है, ये बंद है, इसमें कोई कार्रवाई दरोगा के यहाँ जाते हैं गाली पाते हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपको न्याय मिल सकता है? नहीं हो रहा है, इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही, काम का नहीं, बात करना ही बेकार है, लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है। अगर ऐसे अधिकारी निकम्मे बैठे हुए, अपने विधायक को बोलिए, आप अपने सांसद, ताकि इनको एहसास हो कि कम से कम इनके ऊपर भी कोई अधिकारी या कोई ऐसा प्रशासन इनकी भी धज्जियां उड़ा सकता है, जैसे कि वहाँ शासना देश की धज्जियां उड़ा। चलिए मैं बात करूंगा आपसे भी इस मैटर पे और डीएम महोदय से भी बात करूंगा। जी, पड़ारे में मैंने जमीन बहना मांगी जी, तब उतरौला था। अच्छा जी, उतरौला से डिग्री हुआ। उतरौला ये तहसील कब बनी है? ये तहसील ये तो चकबंदी के बाद, 80 के बाद 87 में ऐसे बात। उसके बाद में वहाँ की डिग्री, उसके बाद में जिसने बैनामा लिखा जी, वो आज भी कहने के लिए तैयार है, देने के लिए जी 100%। उनके चाचा कह रहे हैं मुझे मिलना चाहिए, मेरे पास सारे आर्डर, दीवानी गोडा का आर्डर, उतरौला का आर्डर, डीएम गोडा को मैंने 1200 उनको कॉपी दिया, सुबह से शाम तक बैठे रहे, 7 बजे कॉपी दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ अगर खतौनी पर चढ़ रहा है तो दूसरे दिन लिख रहे हैं कि एक पक्षीय सुना गया, एक पक्षीय नहीं सुना गया, इस नाते उसको आदेश को खारिज किया जाता है। पूरा नायब तहसीलदार, यहाँ सारे आर्डर मेरे पास हैं, सारे आर्डर बताइए, 30, 30, 40, 85 का बैनामा है, 30, 30, 40, 40 साल के बाद में सारे आर्डर मौजूद हैं, जबकि जिले का आर्डर इनको उसको फॉलो करके तुरंत टोनी पर कहना चाहिए। ये नायब तहसीलदार यहाँ चल रहा है, आर्डर सारे लगे हैं, आर्डर मौजूद भी है मेरे झूले में, डीएम को मैंने सौंपा भी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई ये उत्तर प्रदेश का जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है ना, नाम से है वो बैनामा, मेरे पत्नी के नाम से, आरती देवी जी, ये गोंडा हमको लगता है उत्तर प्रदेश का कोई अलग जगह है क्या, या यहाँ के लोगों को वो सारी चीजें नहीं दिखाई देती है क्या, या यहाँ के जो भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं इन लोगों की बातें नहीं सुनते हैं क्या? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो कि मैं आपसे कितने क्वेश्चन करूं, ये सारी चीजें देख के मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं, कंफ्यूज इसलिए हूं कि शायद ये सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी भी कि नहीं, ये भी मुझे पता बिल्कुल नहीं है। आप किस लिए यहाँ पे चाचा? वापस बैनामा लिखा लूँ। क्या चीज? बैनामा लिखा लूँ आपके पिताजी से। हाँ। आपके पिताजी कितने उम्र के हैं जब आपका बाल पक गया? खत्म हो गया। अच्छा है नहीं आप? कितने साल पहले की बात है? क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी। बिंदेश्वरी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम साहब गोंडा जिला रहने वाला है, थाना छतिया हो साहब। कितने दूर पड़ता है यहाँ से? बबनान के करीब में साहब। बबनान के करीब 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर से आते हैं, और कितने दिनों से आते हैं? साहब 2008 से। बहुत अच्छी बात। अब आप सोचिए, मतलब जमीन का मैटर 2008, मैं अगर ये वीडियो अभी भी समाप्त होगा, उनकी कोर्ट 12 बजे से लगती है, महामहिम की, महामहिम जो यहाँ के उप जिला अधिकारी हैं, तो इनकी इनका कोर्ट अगर आज खत्म होता है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो जरूर उनसे पूछूंगा कि महोदय आपके कोर्ट में कितनी फाइलें अभी पेंडिंग है। हम जो मेहनत के बैनामा लिखाई देता है तो बाहर आपत्ति लगाए, आपत्ति लगाए वकील होता है कुल्लई लीन साहब, और ये हम घर बनवाए साहब वो खाली कराओ था, जबकि हम अपना बनवाए। अच्छा, अरे मारे पीछे फसल तैयार, और 2008 से आप दौड़ के आ रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं हो रहा है? कुछ नहीं था। आप? मैं 5-6 महीने से दौड़ रहा हूँ। 6 महीने से आप दौड़ रहे हैं जी। पंडित जी हैं क्या? चंदन वंदन लगा रखे हैं। क्या नाम है? राम कुमार शुक्ला जी। राम कुमार शुक्ला जी, तो शुक्ला जी आप 6 महीने से कैसे दौड़ रहे हैं?
एक बच्ची है उन्होंने कच्चे मकान से पटाखे न्यू खुदा रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा, और बहुत कार्रवाई बहुत अच्छी। तो भाई यहाँ गोंडा है, गोंडा में जिसकी लाठी उसकी भैंस के यहाँ के यहाँ वो वकील है, अधिवक्ता है, उसके दबाव से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, ना थाने हो रहा, ना जमीन साहब, ना तहसीलदार, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जी, उल्टे जाके वहाँ पे बिना तालाब भरा हुआ है, लेखपाल और कानून को मिलकर। आप भी वहीं के हैं क्या? जी हाँ, मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ, ये अपना प्रकरण काफी इसके बाद। अच्छा जी, बताएं। तो 122 जी कर दिए सर। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हमारे ऊपर ही उल्टा कर रहे हैं सर, तालाब भरा हुआ है बिना पैमाइश के। राजकुमार, आप लोग सामूहिक चीज क्यों नहीं करते? जब इतने सारे लोग पीड़ित हैं तो सामूहिक चीज क्यों नहीं करते कि लोग के ऊपर असर पड़ना चाहिए? देखिए अलग वही बताते हैं ना, रूल डिवाइड वाला जो रूल है अंग्रेजों वाला, आज तक बहुत सारी चीजें अंग्रेजी चलती आई हैं, देख भी रहे होंगे। हमारी उम्र आप लोगों से बहुत छोटी है, लेकिन फिलहाल आप लोग ये तो जानते होंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया था आके यहाँ पे, तो वही रूल्स आज भी बहुत सारे चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, बहुत सारी लेकिन अभी चल रही है, तो वो मानसिकता अभी हट नहीं रही है, तो उनकी मानसिकता को हटाना भी आप ही पब्लिक का काम होता है। आप लोगों को भी चाहिए कम से कम इकट्ठी अपनी आवाज को इकट्ठी रखे तो उनके कानों तक हो सकता है जाए प्रभावी तरीके से। नहीं होता, प्रेशर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, कोई होता नहीं, इसीलिए तो अलग अलग लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर होता तो प्रभावी तरीके से उनके कानों तक जाती आवाज। कोई न्याय नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं राम शंकर पांडे एडवोकेट जो वहाँ है न्यायालय में, किसके यहाँ सुकुल जी? कमिश्नर के यहाँ। उन्होंने आज के साल भर पहले जो है हथबरारी किया था उनके यहाँ समय जमीन में, हमें जमीन मिल गई थी 40 साल। अच्छा, इसके बावजूद क्या नाम है आपका? शंकर शरण पांडे, ग्राम नगरा बुजुर्ग, पोस्ट जो है हमारा जिला गोंडा थाना चपिया। इसके बावजूद उसको लेखपाल ने मुझे हस्ताक्षर करवा लिया, दाखिल कर दें। हम कहा जी हाँ, आज के साल भर के पहले उन्होंने दाखिल किया, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपत्ति लगाना चाहता था, इसके बाद में मिस कर गया हूँ। फिर आर के पांडे कानून को दोबारा हाथ बराजी नापने के लिए गए हैं, और पता नहीं किस प्रकार से इन्होंने नापा, कहा कि इनके यहाँ समय तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम ये गलत कर रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, फर्स्ट लेखपाल ने जो पैमाइश किया था वो सत्य है या आर के पांडे जो कर रहे हैं ये सत्य है? और चूंकि वो कमिश्नर के यहाँ आते हैं, हमारी नाली जो है मुद्दतों से 1942 का आदेश है, इसके बावजूद ये जबरदस्ती बंद करवा रखे हैं। थाने पे एप्लीकेशन देने पर दरोगा जी बहुत नाराज होते हैं, गाली देते हैं। मैं गया था, जी हाँ मैं गया था उस दिन, जो भगा दिया कि जाओ राम शंकर पांडे जो यहाँ वकील है कमिश्नर के यहाँ शासकीय, वो अभी वो उपस्थित। इसके बाद में उन्होंने गाली दिया कि भाग जाओ दरोगा जी। इसके बाद में मजिस्ट्रेट साहब को मैं प्रकरण अधिकारी मनकापुर को 29 तारीख को एक दिया एप्लीकेशन कि सर इस पे दीवानी भी चल रही है, हर चीज है, ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, इसको रोका जाए और पूरा रास्ता अपना मार्ग बंद करके मेरे जमीन में जो विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, इसमें ईंटा लगाना चाहते हैं, उचित कार्रवाई की जाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपको लगता है, देखे आप कोई नहीं जाते हैं और आप जैसा कि बता रहे हैं कि 42 का, हाँ जी हाँ 42 का आपके पास ऑर्डर है, हाँ। मतलब देश की आजादी के पहले जी जजमेंट हिंदी है अंग्रेजी है कुछ भी मैं नहीं जानता, मैं मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आप 42 बता रहे हैं तो इसका मतलब आजाद देश के पहले, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, जो एक तरीके से सीढ़ी बाई सीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी जो चीजें होती हैं, अभी कोई महोदय इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ये भी एक क्वेश्चन कर रहे थे अभी कि साहब अगर जिसके कानों तक डालनी है हमको आवाज, अगर उनके कानों तक जा रही है उसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं, यही शायद आपका भी क्वेश्चन होगा। उस दिन SDM साहब 20 अगस्त को गए थे हमारे गांव में, नाली पे खड़े थे हम, कहा सर देखिए मेरे घर से नाली आ रही है, रही है, हमारे भी ये बंद है, इसमें कोई कार्रवाई है कहीं, इसमें हम क्या करें? हम कहा देखिए बताइए, वकील साहब जो खड़े हैं कहीं, आपके पास कागज? हम कहा जी हाँ, कहीं दिखाइए, तो हम कहा अभी देख लीजिए। ये 21 तारीख को बुलाए SDM साहब को, मैंने सारा कागज दिखाया, और इसके बाद वो कमिश्नर साहब के यहाँ जो है अधिवक्ता आज तक कागज नहीं दिखाए, फैसला क्या हो रहा है सर? नाली बंद पड़ी है, वही हम लोग पीड़ित हैं, दरोगा के यहाँ जाते हैं गाली पाते हैं। सुनिए सुनिए, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, मैं अब दूसरे तरीके से आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। सपोज कीजिए SDM यहाँ की कोई बात नहीं सुनता जी,
नायब तहसीलदार कोई बात नहीं सुनता, लेखपाल भी कोई बात नहीं सुनता, नहीं। आप अगर यहाँ से आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे बता दीजिए? जहाँ न्याय मिले वहीं हम। कहाँ आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपको न्याय मिल सकता है या नहीं? अब हम तो आप ही से पूछना इसलिए चाह रहे हैं कि आपकी उम्र भी ज्यादा है। सरकारी से जांच। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके इस मनकापुर तहसील में निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं, नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि यहाँ पे काम गिर नहीं हो रहा है, इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो काम का नहीं उसको क्या कहते हैं आप? अपने अगर कोई आपका लड़का हो, आपके गांव का लड़का हो जो ऐसे ही घूम रहा हो, कोई काम नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं ताऊ जी? अरे क्या कहते हैं अब आप ही बताइए। गुड़हल का फूल। आपको नहीं पता? फिर आपसे बात करना ही बेकार है। आप लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है, निकम्मा है, नालायक। उसको कहते हैं ऑन कैमरा। अगर मैं बोल सकता हूँ तो आपको बोलने में शर्म क्यों लग रहा है? बोलिए ना, नालायक है, निकम्मे है, निकम्मा नालायक। और अगर ऐसे अधिकारी निकम्मे बैठे हुए कहीं भी तो उसका भी आप ही लोग तो तोड़ो। आप ही लोग बनाते हो सरकार, जिसको बैठाते हो ऊपर, और आप ही की बातें अगर नहीं सुनी जा रही हैं, आप अपने विधायक को बोलिए, आप अपने सांसद को लेके आइए और यहीं पे बैठाइए, इसी तहसील में लाके बैठाइए अपने साथ। नहीं होना है भैया, भैया आपको जाना नहीं है कहीं। विधायक जी के आप खुद उसी में उसने नहीं, नहीं मैं सुनने वाला नहीं हूँ। अगर इतने सारे लोग दुखी है, पीड़ित अगर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग अगर नहीं सुनी जा रही है सारे लोगों की, तो सिर्फ एक ही कारण है कि वाकई में आप लोग भी उसी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि आपको कोई रोज दो थप्पड़ मार रहा है और आप गांधी जी बन के तीसरे तरफ में आप अभी पहला एक गाल दो गाल नहीं, अब आप पीठ भी दिखा रहे हो कि इस पे भी मारो, केवल गालों पे नहीं पीठ भी दिखा रहे हो आपकी मारो। तो किसी को मारने में मजा आएगा तो वो मारेगा ही, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत चीजें नहीं बोल पा रहा हूँ आज, क्योंकि मैं भी अपने किसी चीज में बंधा हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों की ये हालत देख के हमको ऐसे लग रही है कि आप लोग वाकई में पता नहीं क्या कर रहे हो, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, कि नाम बता दीजिए अपना। SL शुक्ला एडवोकेट जी। उत्तर प्रदेश सरकार जो है जी, सरकारी जमीनों को खाली कराने की कवायद कर रही है करीब 5 साल से। एक भी गांव ऐसा जिले का नहीं है जहां पर सरकारी जमीनें खाली हो। तो हम ये मान लें कि ये चैलेंज है यूपी गवर्नमेंट को, कोई एक गांव बता दे कि इस गांव में खलिहान चरागाह रिजर्व लैंड जो है वो खाली है। ये चैलेंज दे रहे हैं आप? हाँ, ये चैलेंज है। ये कोई ऐसा गांव नहीं है। इसको चैलेंज दे रहे हैं।